आप देख रहे हैं पीटीआई न्यूज योर ऑन नेटवर्क। मतगणना अपडेट्स हम दे रहे हैं और इस मध्य कुछ बातचीत भी करा रहे हैं। हमारे साथ हैं मथुरा की गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी ठाकुर मेघश्याम सिंह, जो मथुरा के कोतवाल श्री भूतेश्वर नाथ महादेव के बड़े भक्त हैं। मतदान वाले दिन भी अंदर डेरा डाले हुए थे सुबह के वक्त और मतगणना वाले दिन भी, और हमें तो पता नहीं था कि आप मतगणना स्थल पर भी मिल जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि कहीं बाबा के यहाँ ही तो नहीं रहेंगे। अभी आया हूँ, मतलब जा रहा हूँ खाना खाने। अच्छा, फिर खाना खाने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है? लग रहे सबसे भाई साहब, या इसमें तो ये विपक्षी अफवाह है, या एक एजेंट ना हो, एक प्रत्याशी ना हो, तो कुछ नहीं होना, तो होना है बताओ। हाँ। ऐसी कोई हो सकता है? सब रिकॉर्ड है, सब चीज़। तो अंदर कुछ कोई कह रहा है? कोई कुछ नहीं, कुछ तो कह रहे हैं जिनकी जीत ऐसा है। ये तो विपक्ष का पहले भी एक तरह की अफवाह रहती है। अच्छा, तीन चार पहले अखिलेश, दो दिन पहले अखिलेश जी ने कुछ कह दिया। हाँ। अभी जब लोग देखते हैं कि हम हार रहे हैं तो कोई ना कोई बहाना लगाते हैं जनता के बीच में। अब ये तो हार तो आप, आज विपक्ष ने, ये बताइए अब रुझान क्या है आपके विधानसभा क्षेत्र? भाजपा जीत रही है। अभी कितने वोटों से आगे चल रहे हैं आप? पांचवे राउंड में शायद 7,000 या मेरे फिक्स जानकारी नहीं, काफी अच्छी अंतर। तो हमारे गोवर्धन में 50% जी जी। अरे कुंज बिहारी जी, जल्दी आ जाओ, जल्दी से। हाँ बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं गोवर्धन विधानसभा की काउंटिंग चल रही है उसमें से। हाँ, कौन आगे चल रहा है वहाँ पर? वहाँ अभी 4 राउंड हुए हैं और 4 राउंडों में हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे ठाकुर मेघश्याम सिंह जी प्रत्याशी हैं। मेघश्याम सिंह जी ही जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 5वें राउंड में 7,000 से आगे हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल, 5 फाइनल हो गए हैं। वो कह रहे हैं इनके पास 4 का है तो 5 वाला मानेंगे हम, 7,000 से वो आगे बता रहे हैं अपने आप को। तो अपडेट्स आप देखते रहिए, सटीक अपडेट्स केवल TTI न्यूज पर।